जिला होशियारपुर के होशियारपुर टांडा रोड के गांव रामपुर के नजदीक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई, जिससे लगभग 30 यात्री जख्मी हो गए। ये हादसा उस समय हुआ जब होशियारपुर से टांडा की तरफ जा रही निजी कंपनी की बस दोपहिया वाहन एक्टिवा सवार व्यक्ति को बचाते हुए पेड़ से जा टकराई। टक्कर के कारण बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बस में बुरी तरह से फंसी सवारियों को पुलिस और राहगीरों ने बड़ी मुश्किल से जेसीबी की मदद से निकाला, जिसके बाद जख्मियों को होशियारपुर के सिविल अस्पताल और कुछ जख्मियों को टांडा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बस में सवार जख्मी यात्रियों के मुताबिक बस थोड़ी तेज थी कि अचानक बुल्लोवाल के नजदीक गांव रामपुर के पास एक एक्टिवा सवार बस के सामने आ गया। एक्टिवा सवार व्यक्ति को बचाते हुए बस बेकाबू हो गई और पेड़ से जा टकराई। पेड़ से टकराने से बस में सवार 30 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए, जबकि एक्टिवा सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस संबंधी जानकारी देते हुए थाना बुल्लोवाल के प्रभारी इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने बताया कि अभी जख्मियों की स्थिति के बारे में जानकारी ली जा रही है। सभी जख्मियों को लोगों की सहायता से इलाज के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचाया गया है। सभी यात्री उपचाराधीन हैं। होशियारपुर से हलचल के लिए अंकुश गोयल की रिपोर्ट। स्कूटी वाला कोई आ गया सी, बस वाला ड्राइवर बचा, बस थोड़ी जी स्पीड दे सी। और टर्न उन्हें किया बट होया नहीं, तो सीधी दरगत दे विच सवारियां किन्नी सी बस दे विच? जी बस फुल सी पूरी। एक्सीडेंट राजधानी की बस सी, होशियारपुर तो गुरदासपुर जा रही थी, वो एक्सीडेंट हो गया। एक स्कूटर सवार दे नाल उहदा एक्सीडेंट होया है, उहदे विच 6 बच्चा 11 जिहड़े इंजर होए आ, एक बंदे दी डेथ हो गई है। तो जी आपां देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट चल रहा।